नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। आइए चलते हैं आज की पांच मुख्य बड़ी खबरों की ओर। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों का इस्तीफा एक के बाद एक जारी, पोस्टिंग होते ही नौकरी छोड़ने की बता रहे हैं ये वजह। बगीचे से चल रहा था साइबर ठगी का धंधा, छापा मारा तो सात को धड़ दबोचा, भागने में कामयाब मास्टरमाइंड। पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन हुआ फाइनल, अप्रोच रोड की जमीन मिलते ही हवाई सेवा होगी शुरुआत। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंच से किया ऐलान, बोले मेडल लाओ नौकरी पाओ। कटिहार बलरामपुर में भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों की एकजुट, कहा नहीं होने देंगे गरीबों का शोषण। अब देखिए खबर विस्तार से। बिहार में बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद अब नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन पोस्टिंग के बाद अब लगातार इस्तीफा भी इनमें कई शिक्षक देने लगे हैं। इन दिनों में दरभंगा से नवनियुक्त शिक्षकों का इस्तीफा देने की खबर आने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक कई शिक्षा विभाग को अपने इस्तीफा पत्र सौंप चुका है, वो बिहार में बीपीएससी शिक्षक बिहार टीचर की नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बता दें कि ये शिक्षक विभिन्न प्रखंडों में स्थित सरकारी स्कूलों में तैनात किए गए हैं। इन्होंने नियुक्त होते इस्तीफा देने के पीछे की अलग अलग वजह भी बताई है। अपना इस्तीफा अपने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इन नवनियुक्त शिक्षकों ने सौंप दिया है। दरभंगा से आया ताजा मामला प्रकाश में आया है कि दरभंगा में कुछ नवनियुक्त शिक्षकों ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के किराड़ी सुलेमान नगर निवासी यमुना प्रसाद की पुत्री सरिता कुमारी भी इनमें शामिल है। सरिता कुमारी ने बीपीएससी शिक्षक परीक्षा पास की थी और केएफटी प्रखंड के मध्य विद्यालय कोयल स्थान में उनकी तैनाती हुई थी। उन्होंने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि उन्हें केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन हो गया है, इसलिए वो बिहार में शिक्षक की मिली नौकरी त्यागना चाहती है। बिहार के नवादा जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। साइबर थाने की एसआईटी ने इंटेलिजेंस इनपुट पर जिले के वारिसलीगंज में छापेमारी कर लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। एसआईटी ने सात साइबर अपराधियों को ऑनलाइन ठगी करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साइबर ठगी का धंधा बगीचे से चल रहा था। घटना शुक्रवार की दोपहर बाद की बताई जा रही है। नवादा पुलिस को वारिसलीगंज थाने के मकनपुर गांव में साइबर अपराधियों के गिरोह द्वारा ऑनलाइन ठगी किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर नवादा एसपी अमरेश राहुल द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। डीएसपी मुख्यालय सैपिर भारी साइबर थाना कल्याण आनंद के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से मनकपुर स्थित कोशा कोआबागी सरकारी बगीचे में छापेमारी की। इस दौरान सात लोगों को धर दबोचा और इस मास्टरमाइंड गिरोह भागने में कामयाब रहे। इसको लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए एक सुखद खबर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने ये बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट से संबंधित प्रोजेक्ट अप्रूवल एयरपोर्ट के डिजाइन का काम, उसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। मसला 15 एकड़ भूखंड को लेकर अटका हुआ है, जिसे सुलझने के लिए भी लगातार बैठकें हो रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले माह तक इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार के अधिकारी पूर्णिया एयरपोर्ट की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में जुट गए हैं। समझा जाता है कि गुत्थी सुलझते ही पूर्णिया से हवाई उड़ान का रास्ता साफ हो जाएगा। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के दौरान इस मसले पर गंभीरता से विचार विमर्श किया और एयरपोर्ट शुरू किए जाने में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान की दिशा में रचनात्मक पहल की गई। भारतीय वायुसेना के अवकाश प्राप्त विंग कमांडर विश्वजीत सिंह की पहल पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी के बीच इस मुद्दे पर वार्ता की गई। बैठक में ये साफ तौर पर कहा गया कि काम को आगे बढ़ाने के लिए 15 एकड़ जमीन अधिग्रहण एवं सड़क का जल्द निर्माण बिहार सरकार द्वारा अति आवश्यक है। पूर्णिया डीएम कुंदन कुमार ने सारी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि जल्द ही इन कामों को पूरा कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसकी सूचना दी जाएगी। इस सकारात्मक मुलाकात के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया गया कि काम को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शनिवार को एक कार्यक्रम में मेडल लाओ नौकरी पाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, खेलकूद में भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में मेडल लाकर कोई बीडीओ, कोई इंस्पेक्टर बन रहा है, जल्द ही अन्य लोगों को भी नौकरी दी जाएगी।
तेज सभी ने उनकी डिग्री को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते तो फर्जी डिग्री ले सकते थे, दो दो सीएम के बेटे होने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। तेज सभी यादव ने मन से संबोधित करते हुए कहा कि जो मेडल लाएगा वो नौकरी पाएगा। बेरोजगारी आज की तारीख में दुश्मन है, युवा पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं पाते हैं, डिग्री लेती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। इसके लिए बिहार सरकार नई पॉलिसी को लेकर आई है, इसके तहत 81 खिलाड़ियों को अधिकारी बनाया गया है। कोई एसआई तो कोई बीडीओ बन रहा है, सभी को ज्वाइनिंग लेटर जल्द दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकों में ऐसा माहौल बनना चाहिए, नहीं पढ़ोगे तो बनोगे खराब वाला जमाना नहीं रहा। पढ़ाई लिखाई के साथ खेलना कूदना भी अहम है। तेजस्वी यादव ने अपनी पढ़ाई को लेकर कहा कि हमने ईमानदारी से काम किया, कई लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं, हम दो दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं लेकिन हमने फर्जी डिग्री नहीं ली। कटिहार के बलरामपुर प्रखंड मुख्यालय से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गरीब लाचार मजलूम के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बलरामपुर प्रखंड के पंचायत व प्रखंड जनप्रतिनिधि एकजुट होकर भूख हड़ताल पर बैठे। सुने भूख लाल पर बैठे लोगों ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद। जनप्रतिनिधि का कमियों से अभी ब्लॉक पर भ्रष्टाचार चरम पर है और यहाँ का जितना भी प्रतिनिधि है बलरामपुर का एकजुट नहीं है और ये जितने भी चीज है, जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी है, ये पंचायत समिति का अंदर का चीज है, लेकिन हम लोग पंचायत समिति प्रमुख उप प्रमुख एकजुट नहीं रहने के कारण आज इस तरह से लोग लूट खसोट करना शुरू कर दिया। आप कौन है? पंचायत समिति सदस्य और लतीपुर लतीपुर पंचायत जी। देर है, सीधा पोथी बना के रखा पूरा। ये आज जो धरना है ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी है। ये तेलता यानी बलरामपुर प्रखंड का मुख्यालय परिसर के बगल में हम लोग को जगह मिली है और आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो सीईओ हैं उदयकांत मिश्रा जी और रितु सोनी जी जो आरओ हैं और जो राजस्व कर्मचारी हैं तहमीद हुसैन और सुभाष, इन दोनों के खिलाफ और बाकी सीईओ और आरओ के खिलाफ पूरे इलाके के लोगों में बहुत गुस्सा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट खसोट हो रही है, म्यूटेशन में, परिमार्जिन में और तरह तरह के कामों में जितने भी जमीन से संबंधित काम होते हैं यहाँ पे अंचल में, उन सारे कामों के लिए जो है बहुत ज़्यादा चरम पर घुसखोरी है और इसको दूर करने के लिए इसकी मांग को लगातार हम लोग उठाते रहे हैं, सीईओ को लगातार शिकायत भेजते रहे हैं लेकिन सीईओ इसकी अनसुनी करता रहा है और कुछ नहीं, बस उनकी आरओ की शिकायत उनके पास जाती है तो वो उस कान में तेल लगा सो जाते हैं। उनकी खुद की शिकायत है क्योंकि वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है यहाँ अंचल के लिए, अगर वो खुद जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है तो दूसरों को क्या समझाएगा। यानी कुल मिला के उनकी जो है मिली भगत से ये सारा कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है और लाखों का लूट खसोट हो रहा है, एक एक म्यूटेशन में जो है 50,000 एक लाख रुपए तक लिया जाता है। ये सबसे पहली समस्या तो ये है हम लोगों के लिए, जो आज हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, जो इतने लोगों की तादाद आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आए और चले भी गए, तो यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि एसडीओ को जो है 10-15 दिन पहले जो आवेदन दिया गया उन्होंने मेमोरेंडम एक्सेप्ट किया, साइन भी मतलब जो है उनके करके दिया गया यानी रिसीविंग दे दिया गया। उसके बाद जब यहाँ पे बैठने की जब हम लोग डिमांड करने लगे तो उस बैठने के लिए जगह जो हम लोग को नहीं दी जा रही थी, बाद में सीईओ ने इस जगह को चिन्हित तो किया लेकिन इसका हवाला देके कि आचार संहिता लागू है और उसका हवाला देके जो है वो कुछ यहाँ पर व्यवस्था करने की कोई मतलब जो है जरूरत मतलब जो है वो जहमत नहीं उठा रहे हैं, यानी कुछ भी न वीडियो को कहा गया है, न सीईओ को कहा गया है, न कोई मजिस्ट्रेट बहाल किया गया है और न किसी तरह की मतलब यहाँ सुविधा है लोगों को, न लाइट की सुविधा दी गई है ना ही और कुछ है, और सबको जो है भड़का दिया था कि लाइट वहाँ पे देना नहीं है। हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ रात गुजारे हैं, लाइट जो है रात में ही काट दिया गया था और आज दिन में भी पूरा दिन लाइट काट के रखा गया, हम लोग को लाइट देने से मना कर रहे हैं, हम लोग अंधेरे में यहाँ बैठे हैं, हम लोग कल दिन से हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, मैं खुद जो है कल से भूखा हूँ, एक अनाज मैंने खाया नहीं है और ये परेशानी उठानी पड़ती है। यानी एसडीओ जो है वीडियो के ऊपर छोड़ता है, सीईओ के ऊपर छोड़ता है और वीडियो और सीईओ एसडीओ के ऊपर छोड़ता है। मेरी खुद पर्सनली बात हुई है एसडीओ साहब से, उन्होंने कहा कि आचार संहिता का चिट्ठी निकला हुआ है और चिट्ठी अभी तक हमें मिला नहीं है। वीडियो को जब मैंने पूछा कि चिट्ठी कहाँ पे है तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ईमेल चेक करके बताता हूँ, उन्होंने कहा कि ईमेल मैंने चेक कर लिया, कोई भी ऐसी चिट्ठी हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई विधान लोकसभा में अगर चुनाव होता है तो पूरे लोकसभा में आचार संहिता लगता है और कोई पर्टिकुलर अगर विधानसभा में चुनाव होता है या बाईपोल होता है तो उस पर्टिकुलर विधानसभा में आचार संहिता लगता है। और यहाँ पे ऐसे दो पंचायत हैं, यहाँ पे बलरामपुर जो प्रखंड है
यहाँ पे 13 पंचायत का प्रकरण था, जिसमें एक पंचायत नगर पंचायत में चला गया है और 12 पंचायत बचे, 12 पंचायत में से 2 पंचायत में 2 मेंबर की डेथ हो गई है। उस 2 मेंबर का उपचुनाव होना है, उस पर्टिकुलर जो है वार्ड मेंबर यानी उस पर्टिकुलर वार्ड में आचार संहिता लगना चाहिए और ये हवाला दे रहे हैं कि आचार संहिता की वजह से जो है पूरा ब्लॉक आचार संहिता में शामिल है और इसका हवाला देके जो है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की अनुमति हमें नहीं दे रहे हैं। और धरना प्रदर्शन करना हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमें कानून ने दिया है और ये इस बात को जो है मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले उन्होंने गोली चलवाई बारसोई में और यहाँ भी वो चाहते हैं कि यहाँ भी इन लोगों का जो है जो भी धरना करे उसको जो है डरा धमका के, जब ये लोग गए यहाँ पे बारसोई में, जब अनुमति लेने के लिए गए, परमिशन लेने के लिए गए, तो उनको डराया गया, धमकाया गया, उनको केस की धमकी दी गई कि आपके ऊपर केस किया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? हम अगर कोई इंसाफ मांगेंगे तो हमको डराया जाएगा? हमको